अपना सम्राट विक्रमादित्य का विक्रमोत्सव आनंद गवाह राहगिरी सिंहस्थ 2016 में सफलता की विशेष भूमिका माननीय मंत्री जी ने निभाई है। जरा जोरदार करतल ध्वनि जहां से भी यह काफिला गुजरे, भारत माता की, भारत माता की। हमारे सैनिकों का हौसला पर्वतों से भी ऊंचा है, अंबर के अभिमान ऊंची हमारी कल्पनाएं हैं, जीवन के अरमानों से ऊंचा हमारा बलिदान है, पर्वत की चट्टानों से हिम्मत ऊंची है। और ये सब का मुजाहिरा इस प्रांगण में बहुत ही शानदार तरीके से परेड करने जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला, प्रसन्न वदन मुख्यमंत्री जी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अपने मानस के कंप्यूटर में सबको कैद करते हुए विभिन्न अभिवादन का क्षण शोर से श्रृंगारित हमिया परेड कमांडर अभिवादन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि का की रखने जो सरहद पर शहीद हो जाते हैं ऐसे ही इसमें नाम अमर कर जाते हैं। इसी मिट्टी में जन्मे हो तो कुछ तो आपसी पहचान रखो, इस मिट्टी में जन्मे हो तो कुछ अपनी पहचान, रंगा रखो हाथों में दिल में हिंदुस्तान रखो। और हौसले बलिदान और मध्य प्रदेश के नव विकास का संकल्प ले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी मुस्तैदी के सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, प्रेम स्वीकार करते हुए आदि का यह संविधान का जश्न मनाते हुए हम सबके बीच है। और आपका मानना है कि आदि का जश्न कुछ इस तरह मनाना है, देश का गौरव तिरंगा हर में लहराना है। तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल की हो पैर जमाए रखना, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ तक हाथ लगाए रखना। कुछ इसी तरह के हौसलों के साथ हम सब आज गणतंत्र दिवस सुंदर से अवसर पर, इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इस गरिमामय अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस प्रांगण में सुसज्जित परेड आपके समक्ष है। थोड़ी ही देर में आप परेड निरीक्षण करने के पश्चात एक बहुत ही आकर्षक परेड का यहाँ पर प्रदर्शन देखेंगे। जीवन में आसक्ति रखना, रिश्तों में अनुरक्ति रखना, मन में देश राग गूंजे, रोम रोम में भक्ति रखना। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जहाँ पर विराजित है, लोकतंत्र सेनानी जहाँ पर विराजित है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार फिर से गुंजायमान करें, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही हमारा सौभाग्य हमारे मध्य श्रीमती सीमा मोहन यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिनके दिलों में आग थी उनको मिले थे रास्ते, और जंगे आजादी नहीं थी बुझ दिलों के वास्ते। मुख्य अतिथि का वाहन आ चुका है और अब गुब्बारे हर्ष उल्लास प्रसन्नता जैसे जीवन के महत्वपूर्ण रंगों का समन्वय है, ये तरल सरल भारहीन जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, ये गुब्बारे आसमान में उड़ाकर एक स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्र भारत का एक संदेश दे, जोरदार तालियां, करतल ध्वनि। यह गुब्बारे शांति के प्रतीक के रूप में भी है। और अब हम सबके मध्य प्रदेश की अस्मिता का गान, मध्य प्रदेश गान कला पथक दल के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ के
गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत गढ़ छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा यहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराओ में कथा कला की चित्रकूट में राम की। भीम बैठिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमर कंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साभाल नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का विजय इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ के गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। हाँ मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी आप राहें बनाते चले।